इस मूवी की स्टार्टिंग में एक शॉन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी तेज बाइक ड्राइव कर रहा था। वो पुलिस से बचकर भाग रहा था। यहाँ वो पुलिस से बचने के लिए घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका स्विमिंग पूल में एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर पुलिस भी उसे पकड़ लेती है। यहीं पर पुलिस वाले शॉन के स्टेप फादर हैंक को बुलाते हैं। हैंक पहले नेवी में रह चुका था, इसलिए शॉन पर कोई चार्ज नहीं लगता और पुलिस उसे छोड़ देती है। यहाँ हम देखते हैं कि शॉन का बिहेवियर हैंक के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। असल में शॉन एक सैटेलाइट सेंटर में किसी कोड को समझने के लिए ब्रेकडाउन कर आता है, और घर आकर जब हैंक शॉन से पूछते हैं कि शॉन ने ऐसा क्यों किया, तो शॉन उन्हें काफी रूडली जवाब देकर अपने कमरे में चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शॉन के हाथ में एक पेपर है जिसमें मोर्स कोड लिखे हुए हैं। यहाँ हैंक शॉन से मिलने उसके कमरे में आता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो शॉन उसे जवाब नहीं देता और हैंक मोर्स कोड वाले पेपर को देखता है और शॉन को बताता है कि ये मोर्स कोड है और उसे बताता है कि ये लैंग्वेज उसने नेवी में सीखी थी। हैंक शॉन को कहता है कि मैं इसे क्रैक करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो। तब शॉन बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक रेडियो से इस सिग्नल को रिसीव किया था, पर मुझे सिग्नल पूरा नहीं पता चल पाया और इसलिए मैं सैटेलाइट सेंटर में गया था पूरे कोड को लिखने के लिए। हैंक को अपने स्टेपसन के साथ रिलेशन अच्छे बनाने थे, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हैंक कोड का मतलब समझता है और शॉन को बताता है कि इस कोड में लिखा है द आइसलैंड इज रियल। अब ये सुनते ही शॉन काफी हैरान हो जाता है। जो राइटर उस कोड में थे उन्ही ने ये बुक लिखी थी। उस राइटर का नाम जूल्स वर्ने था और बुक का नाम था द मिस्टीरियस आइसलैंड। काफी सारे लोग उस बुक को पढ़ने के बाद उस आइसलैंड को ढूंढने गए थे, लेकिन किसी को भी वो आइलैंड नहीं मिला। शायद किसी को वो आइलैंड मिल गया है और उसने मदद के लिए ये मैसेज सेंड किया होगा। हैंक अब आगे के मैसेज को क्रैक करता है और उसी नोट में लिखा था स्टीवनसन बॉर्न इन 1983, और फिर उन्हें एक हिंट मिलता है कि एक और ऑथर है जिसका नाम रॉबर्ट स्टीवनसन था और उसने भी मिस्टीरियस आइसलैंड के ऊपर एक बुक लिखी थी। शॉन उस बुक को भी देखता है। इसके बाद हैंक अगले कोड को क्रैक करता है और उसे पता चलता है कि अगला क्लू एक रनर है, और उससे उन्हें पता चलता है कि एक और ऑथर था जोनाथन स्विफ्ट, और इस ऑथर ने भी मिस्टीरियस आइसलैंड पर एक बुक लिखी थी। शॉन यहाँ तीनों बुक्स को इकट्ठा करता है। ये तीनों बुक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में थी। बुक्स में आइलैंड का मैप भी दिया हुआ था, लेकिन ये तीनों ही मैप अलग अलग थे। शॉन के स्टेप डैड हैंक किसी भी कोड को डिकोड कर सकते थे। उन्हें मैप्स के बारे में भी काफी तजुर्बा था क्योंकि वो नेवी में थे, उन्हें ये सब ट्रेनिंग में सिखाया गया था। हैंक तीनों बुक्स के मैप को फाड़ता है और तीनों को एक साथ रखता है और नीचे से लाइट डालता है जिससे उन्हें आइलैंड का रियल मैप मिलता है और उन्हें आइलैंड के ऑर्डिनेट्स भी मिलते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि मिस्टीरियस आइलैंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। शॉन उस आइलैंड को ढूंढने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। हैंक उसे जाने के लिए मना करता है और कहता है कि किसी ने मजाक में ये कोड भेजे होंगे, लेकिन शॉन यहाँ कहता है कि ये किसी ने नहीं, मेरे दादाजी ने भेजे हैं। शॉन के दादाजी का नाम अलेक्जेंडर एंडरसन था जो कि जूल्स वर्ने की बुक्स के काफी बड़े फैन थे और उन्होंने ही आइलैंड को ढूंढा होगा। अब अगले सीन में हैंक अपनी वाइफ को बताता है कि वो शॉन के साथ जा रहा है। शॉन और हैंक अपने घर से निकलकर एक पोर्ट पर पहुंचते हैं जहां वो एक टूरिस्ट गाइड ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जिस जगह पर उन्हें जाना था कोई भी टूरिस्ट गाइड वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। असल में जहां वो जाना चाहते थे समुंदर के उस हिस्से में काफी सारे तूफान आते थे। आज तक जो भी उस जगह पर गया था कभी वापस नहीं आ पाया, पर यहाँ पर इन्हें एक गाइड मिलता है जिसका नाम गोबेटो होता है। वो इन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसकी बेटी काइली जब वो ऑर्डिनेट्स देखती है तो वो वहाँ जाने के लिए $3,000 मांगती है। काइली को देखते ही शॉन को उससे प्यार हो गया था, इसीलिए शॉन के कहने पर हैंक उन्हें $3,000 देने के लिए मान जाता है। यहाँ सभी गोबेटो के हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर में ही वो उस एरिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन था इसीलिए गोबेटो वापस जाने की कोशिश करता है। उनका हेलीकॉप्टर उस तूफान में फंस चुका था। यहाँ शॉन कहता है कि डरो मत, हमें उस साइक्लोन के बीच में जाना है। यहाँ पर शॉन की ये बात सुनकर सारे काफी डर जाते हैं और ना चाहते हुए भी उनका हेलीकॉप्टर इस तूफान में फंस जाता है। उनका हेलीकॉप्टर पानी में डूब जाता है और थोड़ी देर बाद शॉन को होश आता है और उन्हें पता चलता है कि वो मिस्टीरियस आइलैंड तक पहुंच गए हैं। यहाँ शॉन कहता है कि मैं सही था, आइलैंड पे पहुंचने के लिए हमें साइक्लोन के बीच में से निकलना था। अब सब लोग उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो आइलैंड एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ पर सब कुछ उल्टा था, जैसे जो जानवर यहाँ पर छोटे थे वहाँ पर काफी बड़े थे और जो जानवर यहाँ पर बड़े हैं वो वहाँ पर काफी छोटे थे। यहाँ पर इन्हें एक छोटा सा एलिफेंट भी दिखता है और काफी बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज भी। यहाँ शॉन कहता है कि मेरे दादाजी भी यहीं पर हैं और अब ये सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें काफी अजीब तरह के पत्थर दिखाई देते हैं जो अचानक टूटने लगते हैं। उन रॉक्स के अंदर कुछ स्लाइमी सा था। तभी हैंक को पता चलता है कि ये रॉक्स नहीं हैं, ये जायंट लिजर्ड्स के एग हैं। उनकी साइड में एक बहुत ही बड़ी छिपकली सोई हुई थी। यहाँ से सारे लोग चुपचाप निकलने लगते हैं, लेकिन अचानक गोबेटो जिस एग पर खड़ा था वो एग टूट जाता है और गोबेटो उसके अंदर गिर जाता है। इससे लिजर्ड उड़ जाती है और वो लिजर्ड इन चारों पर हमला कर देती है। यहाँ लिजर्ड से काफी बचने के बाद वो लिजर्ड इन सभी को खाने वाली होती है, लेकिन अचानक लिजर्ड पर पेड़ों से हमला हो जाता है जैसे यहाँ पर किसी ने पहले से ही कोई ट्रैप सेट किया था। लिजर्ड से बचने के लिए यहाँ पर लिजर्ड बेहोश हो जाती है
और तभी हम वहाँ अलेक्जेंडर को देखते हैं जो कि शॉन के दादाजी थे। वो इस आइलैंड पर अटके हुए थे। शॉन उनसे मिलकर काफी खुश होता है। अलेक्जेंडर उन चारों को अपने घर ले जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर के ओपिनियन अलग होने के कारण उनमें थोड़ी नोकझोंक होती है। यह अलेक्जेंडर का घर देखकर सारे काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफी अच्छा था। उन्होंने बिना किसी की मदद के अपने लिए सारा कुछ बना लिया था। यहाँ पर उन्होंने अपने लिए रेडियो भी बना लिया था। रेडियो देखकर काइली कहती है कि हमें जल्दी से मदद के लिए मैसेज भेजना होगा ताकि कोई हमारी हेल्प के लिए यहाँ पर आ सके। लेकिन अलेक्जेंडर यहाँ कहता है कि हमें एक हफ्ते तक वेट करना होगा। सैटेलाइट पोजीशन में आएगी तभी हम रेडियो को इस्तेमाल कर पाएंगे। 7 दिन सुनते ही हैंक और अलेक्जेंडर के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। अगले दिन अलेक्जेंडर सभी को अपनी एक और खोज दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ पर अलेक्जेंडर उन्हें लॉस्ट सिटी ऑफ लांटिस दिखाते हैं। लांटिस को देखकर ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं। हैंक यहाँ कहता है कि लॉस्ट सिटी ऑफ लांटिस को तो अंडर वाटर होना चाहिए, ये एक आइलैंड पर कैसे है। तब अलेक्जेंडर कहता है कि जूल्स वर्ना ने जब ये बुक लिखी थी तब ये आइलैंड दरअसल पानी में ही था, लेकिन इस आइलैंड का एक पीरियड है 140 साल का। ये 70 साल पानी के ऊपर रहता है और 70 साल पानी के नीचे। अलेक्जेंडर बताते हैं कि ये वोल्केनो इरप्शन के कारण होता है। इसी तरह समुन्द्र में एक नया आइलैंड बनता है, वैसे ही ये आइलैंड 70 साल पानी के ऊपर आ जाता है और 70 साल जमीन के नीचे चला जाता है। अलेक्जेंडर यहाँ 10-20 साल पहले आए थे और यहीं बस गए थे, और वो ये आइलैंड अपने बेटे या ग्रैंडसन को दिखाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये मैसेज भेजा था ताकि वो अपने डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट अपने ग्रैंडसन को दे सके, जिससे वो काफी मशहूर हो जाए। और अलेक्जेंडर उन्हें यह भी बताता है कि मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग इस आइलैंड को जमीन में जाने के लिए अभी 14 साल और हैं। लेकिन यहाँ हैंक कुछ नोटिस करता है कि लॉस्ट सिटी ऑफ लांटस की दीवारों पर कुछ व्हाइट कलर की एक लेयर आई हुई है। इसके बाद वो पानी को चक्कर देखता है। उसे पता चलता है कि ये पानी खारा है, यानी कि सॉल्ट वाटर है। इससे हैंक उन्हें कहता है कि ये आइलैंड 2-3 दिन में डूबने वाला है। ये सुनते ही अलेक्जेंडर हैंक से काफी आर्गुमेंट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हैंक उन्हें एक्सप्लेन करता है और सॉल्ट की काफी चीजें दिखाता है, जिससे अलेक्जेंडर भी समझ जाते हैं कि ये आइलैंड 2-3 दिन में ही डूबने वाला है और उनका 14 साल का एस्टिमेट गलत था। अब उन लोगों के पास सिर्फ 2-3 दिन ही बचे थे। अब उन्हें 2 ही दिन में निकलना था और बाहर जाने के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। यहाँ शॉन को याद आता है कि ये आइलैंड जूल्स वर्ना की बुक का ही एक हिस्सा है। बुक में एक सबमरीन के बारे में भी बताया गया था, लेकिन इतने बड़े आइलैंड में सबमरीन को ढूंढना काफी मुश्किल था। लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर कहते हैं उन्हें सबमरीन के कैप्टन की जर्नल की लोकेशन पता है, शायद उसमें सबमरीन की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ से सीधा वो कैप्टन की कब्र के पास चले जाते हैं। वो काफी खतरनाक कब्र थी। यहाँ पर उस कब्र के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था सिवाय काइली के, क्योंकि इन सभी में से वही सबसे ज्यादा पतली थी। काइली किसी तरह उस कब्र के अंदर जाती है और जर्नल को ढूंढ लेती है। वो प्लेस पूरी तरह खंडर बन चुका था, लेकिन वो किसी तरह उस कब्र से बाहर आ जाती है। अलेक्जेंडर उस जर्नल को पढ़कर पता करते हैं कि वो सबमरीन कहाँ पर है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो सबमरीन इसी आइलैंड पर है, लेकिन वो आइलैंड के दूसरे कॉर्नर पर है। लेकिन वहाँ पर जाना काफी मुश्किल था और उनके पास टाइम भी काफी कम था। यहाँ सीधा वो सबमरीन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें काफी अजीब चीजें मिलती हैं, काफी बड़े बड़े क्रीचर्स, प्लांट्स, लेकिन वो इस सभी को छोड़कर आगे निकलते हैं। आगे जाकर उन्हें सोने का वोल्केनो मिलता है जो कि सोना उगल रहा था। यहाँ पर सोने का वोल्केनो देखकर गबेटो और शॉन उसके पास जाना चाहते थे ताकि वो सोना इकट्ठा कर सकें, लेकिन यहाँ पर हैंक उन्हें रोक लेता है और कहता है कि हमारे पास टाइम काफी कम है और कहता है कि हमारा इस आइलैंड से निकलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे शॉन काफी नाराज हो जाता है। काइली शॉन को समझाती है कि इसमें मेरे और मेरे डैड की जान को भी खतरा है और बेहतर यही होगा कि हम अब यहाँ से निकल सकें। यहाँ रास्ते में इन्हें एक बहुत ही बड़े पहाड़ को पार करना था क्योंकि उसी पहाड़ के पीछे सबमरीन थी। यहाँ उस पहाड़ को पार करना काफी मुश्किल था, इसीलिए अलेक्जेंडर एक तरकीब निकालता है। जैसे वहाँ पर जानवर काफी बड़े थे, ये सभी मधुमक्खियों के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन पर एक बर्ड अटैक कर देता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, एक ड्रैगन के साइज का। उस बर्ड से बचते बचते ये सभी निकल जाते हैं, लेकिन इतने में काइली नीचे गिरने लगती है, पर शॉन उसकी जान बचा लेता है और वो खुद गिर जाता है। इससे शॉन को काफी चोट आती है और उसकी एंकल डिसलोकेट हो जाती है। यहाँ इतनी देर में रात हो चुकी थी। ये सभी एक जगह ढूंढते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। यहाँ पर अलेक्जेंडर और हैंक शॉन का एंकल ठीक करते हैं। यहाँ पर हैंक शॉन के लिए गाना भी गाता है ताकि वो अपना दर्द भूल सके। यहाँ पर अलेक्जेंडर हैंक को उसके बारे में पूछता है और यहाँ पर इन तीनों में बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। यहीं पर गबेटो काफी परेशान था क्योंकि ये सब खत्म होने के बाद वो अपनी अपनी लाइफ में चले जाएंगे, और गबेटो की बेटी काइली US में पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन गबेटो के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसकी पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड कर सके। इसके बाद यहाँ पर ये सभी सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उनके आसपास सारी जगह पर पानी भर चुका था।
उन्हें पहले लगा था कि उनके पास 2-3 दिन हैं, लेकिन ये एक्टिविटी काफी फास्ट थी। आइलैंड काफी जल्दी डूब रहा था। अब उनके पास सिर्फ 4-5 घंटे ही थे। यहाँ पर अचानक उन्हें पता चलता है कि गिबेटो गायब है। काइली को पता चल जाता है कि गिबेटो जरूर सोने के वॉल्केनो के पास गया होगा ताकि वो सोना इकट्ठा कर सके और वो अपनी बेटी को अच्छी लाइफ दे सके। यहाँ पर ये लोग 2 ग्रुप में बंट जाते हैं। अलेक्जेंडर और काइली गिबेटो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और शॉन और हैंक सबमरीन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ये लोग जब माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई सबमरीन नहीं दिखाई देती। यहां पर शॉन काफी पैनिक हो जाता है और कहता है कि शायद हम मरने वाले हैं, लेकिन हैंक यहां पर कहता है कि पानी 100 फुट ऊपर आ चुका है, इसलिए वो सबमरीन पानी के नीचे चली गई है। अब हैंक यहाँ उनके बचे कुछ सामान से ऑक्सीजन टैंक तैयार करता है और यहाँ से ये सीधा दोनों पानी में कूद जाते हैं। उन्हें नीचे जाने के बाद सबमरीन मिल जाती है। वो सबमरीन के गेट को खोलने की काफी कोशिश करते हैं पर वो काफी टाइट था, और उतने में ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक ईल आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। ये दोनों किसी तरह पहले हमले से बच जाते हैं, लेकिन वो ईल दूसरी बार इन पर हमला करता है, पर हैंक ने यहाँ सबमरीन को खोल लिया था और ये दोनों सबमरीन के अंदर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और काइली अपने डैड को समझाती हुई दिखाई जाती है कि वो सोने के पीछे ना पड़े, उसे बस अपने डैड से प्यार है, वो बस उनके साथ रहना चाहती है, वो उन्हें खोना नहीं चाहती और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ फिर से हैंक और शॉन को दिखाया जाता है जो सबमरीन में थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सबमरीन की बैटरीज काफी पुरानी है इसलिए वो एक्टिवेट नहीं है और वो सबमरीन को भी स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ वो इलेक्ट्रिक ईल भी इनके आसपास ही मंडरा रही थी। यहाँ पर हैंक एक तरकीब निकालता है कि वो बैटरीज को शॉक देने के लिए सबमरीन से बाहर जाएगा और बैटरीज के साथ एक वायर कनेक्ट करके एक रॉड के साथ कनेक्ट कर देगा और वो उस रॉड को ईल पर मारेगा जिससे बैटरी को इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा और वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हैंक रॉड लेकर सबमरीन से बाहर आ जाता है और जब वो इलेक्ट्रिक ईल हैंक पर हमला करती है तो हैंक वो रोड उसके मुंह में डाल देता है जिससे उनकी सबमरीन स्टार्ट हो जाती है और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। यहां दूसरी तरफ वो तीनों भी पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, पर यहां पर तूफान काफी तेज आ रहा था। यहां पर अचानक पूरा आइलैंड पानी के अंदर जाने लगता है और वो सोने का वॉल्केनो भी इरप्ट करता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। जिस माउंटेन पर ये तीनों खड़े थे वो माउंटेन भी टूट जाता है और ये तीनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन शॉन उन तीनों को देख लेता है और सबमरीन के अंदर ले लेता है। फाइनली सभी यहाँ पर बच जाते हैं। यहाँ पर काइली काफी खुश होती है और शॉन को किस करती है। यहाँ से ये सभी लोग निकल जाते हैं और मेन लैंड पर आ जाते हैं। अब ये मूवी 6 महीने आगे चली जाती है। अब हम देखते हैं कि गिबेटो फाइनेंशियली काफी स्टेबल हो चुका है। उस सबमरीन की मदद से उसने काफी पैसे कमा लिए थे। काइली अपनी स्टडी US में कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि काइला शॉन के बर्थडे पर उससे मिलने आती है और यहीं पर अलेक्जेंडर भी आते हैं और शॉन को एक बुक गिफ्ट करते हैं। वो बुक भी एक जूल्स वर्ने की बुक थी, फ्रॉम अर्थ टू द मून, और अलेक्जेंडर यहाँ पर कहते हैं अगले एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज इस वीडियो को अनलाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।